हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और होम स्टाइल कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए व्रत स्पेशल एक रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं वरई का उपमा। तो वरई को कई कई जगह पे समा के चावल बोलते हैं, कोई जगह पे मोरिया बोलते हैं और कोई लोग इसे वरी बोलते हैं। तो इसे व्रत में खाया जाता है, इसके लिए आज हम इसका उपमा कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए आज की हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो उपमा की रेसिपी देखेंगे उसके लिए यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी वरई ली है। तो इसको वरी बोलते हैं, वरई बोलते हैं, या तो फिर गुजराती लोग मोरिया बोलते हैं और कई कई जगह पे इसे समा के चावल भी बोलते हैं। तो पहले मैं ये एक बोल में डाल देती हूँ। तो ये देखिए, ये सिर्फ व्रत में ही खाई जाती है, तो इसे मैंने अच्छे से साफ करके लिया है। तो अब मैं इसे दो तीन पानी से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और फिर एक छन्नी में निकाल के रख देती हूँ ताकि इसमें से जो पानी है वो पूरा निकल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच देसी घी गरम करने के लिए रखा है। तो आज ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं, इसके लिए मैंने घी डाला है। आप इसमें मूंगफली का तेल भी डाल सकते हो। तो जैसे ही घी गरम हो जाएगा उसमें मैं डालूंगी, ये मैंने थोड़े से काजू लिए हैं जिसे मैं थोड़ा सा रोस्ट करके फिर साइड में निकाल के रख दूंगी। तो इसमें काजू ये ऑप्शनल है, लेकिन हम ये रोस्ट करके अगर एंड में इसको डालते हैं तो इसका एक अलग ही स्वाद आ जाता है इसमें। अब मैं इसे निकाल के साइड में रख देती हूँ और ये गरम घी में अब मैं डालूंगी ये मूंगफली के दाने लिए हैं मैंने 1 टेबल स्पून। तो सबसे पहले मूंगफली को हल्का सा हम रोस्ट करेंगे और जैसे ही मूंगफली हल्के से सिक जाएगी तो इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच जीरा, ये 2 हरी मिर्च के टुकड़े करके लिए है मैंने, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ। तो इन सारी चीज़ों को पहले हम थोड़ा सा भून लेंगे और अब इसमें जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज़ का आलू ऐसे पतला पतला कट करके लिया है, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब आलू को भी हल्का सा, मतलब 50% हम इसमें पकने देंगे क्योंकि बाकी बचा हुआ जो 50% है वो अपने वरई के साथ पक जाएगा। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख के 1-2 मिनट के लिए ऐसे रख देती हूँ ताकि अपना आलू जो है वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए। तो 1-2 मिनट के बाद ये देखिए आलू हल्का हल्का फ्राई होने लगा है। तो अब मैं इसमें डालूँगी ये जो हमने समा के चावल धो के छन्नी में रखे थे वो, और अब इसे मैं 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। तो जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे वैसे वैसे ये फूलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको व्रत में करी पत्ता आप खाते हो तो आप इसमें तड़के में करी पत्ता भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो 3-4 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी गरम पानी। तो इसमें मैंने 1 कप वरई ली थी तो मैंने यहाँ पे 4 कप गरम पानी लिया है। तो फिलहाल मैं ये 4 कप पानी नहीं इसमें डालूंगी, इसमें से 1 कप में बचा के रखूंगी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी वरई जो है वो नहीं होती है या फिर पूरा नहीं होती है, तो उस हिसाब से इसमें पानी लगता है। तो मैं पहले थोड़ा ही पानी डाल देती हूँ इसमें और 1 कटोरी जितना बचा के रखती हूँ। जैसे हमारे चावल का होता है, अगर नया चावल है तो पानी की क्वांटिटी उसमें कम लगती है और पुराना होता है तो ज़्यादा लगती है, वैसे ही इसका भी होता है। और अब पानी डालने के बाद मैंने गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर दी है और अब मैं इसमें डालूँगी सेंधा नमक स्वादानुसार और 1 चम्मच चीनी। फिर से एक बार इसे मिक्स कर देती हूँ और अब ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से स्लो गैस पे पकने दूंगी। तो फ्रेंड्स, 4-5 मिनट के बाद ये देखिए यहाँ पे ये अपना उपमा अच्छे से तैयार हो गया और ये अच्छे से पक भी गया है। तो
तो अब मैं इसमें जो हमने एक्स्ट्रा का पानी बचाया हुआ था वो नहीं डालूंगी। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें डालूंगी, मैंने 2 टेबलस्पून फ्रेश नारियल ग्रेट करके लिए, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और ऊपर से डालूंगी ये जो हमने काजू फ्राई करके रखे थे वो, और साथ ही में जाएगा नींबू का रस, क्योंकि आज का जो हमारा उपमा है वो खट्टा मीठा और थोड़ा सा स्पाइसी ऐसे बनेगा। और अब फिर से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पे अपना व्रत के लिए स्पेशल उपमा तैयार हो गया है। तो अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ और बाद में हम इसे प्लेट में निकालेंगे। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, यहाँ पे मैंने जो हमने आज उपमा बनाया व्रत के लिए वो एक प्लेट में निकाल दिया है। और आप देख सकते हो दिखने में भी कितना एकदम सुंदर दिख रहा है और खाने में भी ये उतना ही टेस्टी लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा मीठा और तीखा होता है। तो इसके साथ दूसरा कुछ भी ना हो तो भी चल जाता है। तो अभी तो श्रावण मास चल रहा है तो व्रत सब वैसे ही चालू ही है और आगे भी व्रत आने वाले है, तो इसके लिए ये मैंने आज आपको रेसिपी दिखाई है। तो आप ये एक बार जरूर बना के देखिए और मुझे कमेंट करना मत भूलना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे ऐसी एक मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक थैंक यू।